भोपाल नर्सिंग कॉलेज घोटाला की जांच की मांग लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता पीटी नगर थाने पहुंचे। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में 4 लाख बच्चे नर्सिंग कॉलेज घोटाला की भेंट चढ़ चुके हैं और अभी तक मंत्री पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कांग्रेस का कहना है, मंत्री विश्वास सारंग पर FIR दर्ज होनी चाहिए। नर्सिंग घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले के वक्त मंत्री विश्वास सारंग उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री और उनके अधीनस्थ अधिकारी महेंद्र गुप्ता थे। दोनों पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री विश्वास सारंग समेत इस घोटाले में शामिल सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नर्सिंग घोटाला सत्य है। और नर्सिंग घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल, वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। CBI पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई, उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए, तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला उन्हीं में से एक है। यह घोटाला व्यापम घोटाले जैसा ही है, जिससे इसका नाम व्यापम घोटाला 2 दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग डर रहे हैं, इस वजह से महिलाओं को आगे कर रहे हैं। युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं, तो कितने डरे हुए हैं ये मंत्री, आप समझ सकते हैं। अगर ये आप इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है, तो क्यों इतने घबरा रहे, क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे आप नारेबाजी कराने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री वो सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता। टीटी नगर थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ शिकायती पत्र देने आए थे। वहीं सैकड़ों की तादाद में भाजपा से महिलाएं कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर आई थी। जो उमंग सिंघार जी, नेता प्रतिपक्ष जी आए थे, जीतू पटवारी जी आए थे और उनके साथ में बाकी विधायकगण आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि नर्सिंग घोटाले से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की है और उन्होंने FIR की मांग की है। हमने उन्हें बताया है कि इसमें हम एक बार प्रारंभिक जांच कर लें, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।